أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرآن كسياب سب जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद और दुआ है कि खैर और आफियत से हैं और ईमान के बेहतरीन दर्जे पर हैं इंशाअल्लाह। एंड आई होप कि आप सब ने हुरूफुल हिज्जा की प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज जो भी अब रूल्स हम सीखेंगे उसके लिए अरबिक अल्फ़ाबेट्स के जो भी मखरज हैं इंशाअल्लाह उसको प्रैक्टिस में रखने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो डेली प्रैक्टिस करते रहे। रिविज़न लेसन जो है वो अपलोड हो गया है यूट्यूब पर, तो रिवीजन बार बार करते रहें, उसके अंदर सारे लेटर्स की रिवीजन मौजूद है इंशाअल्लाह। तो आज हम देखते हैं हराकह। ओके, हराकह किसको कहते हैं और हम इसको किस तरह अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ओके, हराकह कहते हैं शॉर्ट वोवल्स को, जिस तरह इंग्लिश के अंदर जब भी कोई लेटर को प्रोनाउंस करने के लिए हम ए ई आई ओ यू वोवल्स यूज़ करते हैं ना, इसी तरह हरकह यानी वोवल्स को कहते हैं अरबिक में। हरकह सिंगुलर यानी एक को हरकह कहते हैं, प्लूरल यानी बहुत सारे को हरकात कहते हैं। ओके, हरकह का मीनिंग क्या है? मूवमेंट्स, मूवमेंट्स यानी हम हरकत कहते हैं ना, उर्दू में हरकत हो रही है यानी मूवमेंट हो रहा है कुछ, उसको हरकह कहते हैं। ओके फाइन, इसकी इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि लेटर के ऊपर जब भी हरका होता है तो हम उसको सिर्फ और सिर्फ एक हरका ही खींचेंगे। हरका यानी आप अपने मुट्ठी को बंद करें, यानी आपके हाथ की जो विस्ट होती है उसको बंद करें, बंद करने के बाद एक उंगली जो है आपकी वो ओपन करें, मतलब ज़्यादा जल्दी नहीं ज़्यादा लेट भी नहीं, आप नॉर्मल पेस में एक उंगली को ओपन करें और देखें कितना टाइम लग रहा है। राइट, ए प्रोनाउंस करके आप ओपन करें, ए टाइम बहुत कम लग रहा है। राइट, तो इसको हम कहते हैं हराका, एक हराका। ओके, अगर हम एक उंगली को ओपन करने में जो टाइम लगता है, एक ओपन करें और एक ओपन करें, तो इन दोनों उंगलियों को ओपन करने में जितना टाइम लग रहा है उसको कहते हैं दो हराका। ओके, एक के बाद दूसरी ओपन करना है, मिलाकर नहीं, एक ओपन करें उसके बाद दूसरी करें और तीसरी करें तो जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं तीन हरका। ओके, इसी तरह चार पांच और छः हरका तक होता है। तो फिलहाल जो ज़बर ज़ेर पेश, जो हम ऑलरेडी ये टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, राइट, लेकिन अरबिक में हम इसको फतह वम्मह कसरा कहते हैं। ये शॉर्ट बबल्स होते हैं, बहुत ही शॉर्ट इसको खींचा जाता है, लेकिन अब हम जैसे कि अरबिक सीख रहे हैं तो इंशाल्लाह यही टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ज़बर ज़ेर पेश नहीं यूज़ करेंगे, फतह दम्मह कसरा। ओके जी, तो अब हम देखते हैं कि फतह क्या है, किस तरह पढ़ा जाता है इंशाल्लाह। ओके फाइन, देखें ये जो लाइन मैंने है लिखी है इसको आप एक लेटर समझें। ओके, ये जो लाइन आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ ये एक लेटर समझें इसको। अगर ये लेटर है तो उसके ऊपर जो एक छोटी सी लाइन इस तरह लेटी हुई है इसको हम कहते हैं फतह। ओके, फतह, फतह यानी उर्दू में इसको हम ज़बर कहते हैं, इसको कहेंगे फतह। इसका साउंड कैसा होगा? ए, ए। ओके, बहुत लंबा नहीं, ए कहने से ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, रॉन्ग है, बस एक ही हरकत, अपनी मुट्ठी को बंद करें, एक उंगली को ओपन करें आराम से, ज़्यादा लेट भी नहीं ज़्यादा जल्दी भी नहीं, नॉर्मल पेस में ओपन करें और बोलें ए। अपने अपनी जगह सब ये करें, अपनी मुट्ठी को क्लोज करें, एक उंगली उठाएं, एक उंगली को ओपन करें और बोलें ए ए ए। ओके, जितना टाइम लग रहा है उतना ही लगना है, इससे ज़्यादा नहीं लगना टाइम। ओके, तो इसको किस तरह पढ़ा जाता है? अपने मुंह को खोलकर पढ़ा जाता है, आप मुंह बंद करके ओ कहने से आवाज़ अंदर ही रह जाएगी, तो मुंह को हम ओपन करेंगे, दोनों जॉज ओपन खुलेंगे और बोलेंगे ए। ओके फाइन, नेक्स्ट है कसरा, हम देखते हैं तो बाद में देखते हैं कसरा।
सेम ऐसी ही लाइन जो हमने फतहा में देखी वही लाइन होती है लेटर के नीचे, ओके लेटर के ऊपर नहीं होती, ये लाइन लेटर के नीचे होती है। तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ई। जब ई पढ़ते हैं तो हमारी जो नीचे की चिन है चूड़ी जिसको कहते हैं, जो जॉ है हमारा, वो नीचे जाता है। आप अपने चिन जो है उसके नीचे आप अपना हाथ रख कर देखें, जब आप ई कहेंगी तो उसकी मूवमेंट होगी, राइट, ई ई ई, ओके। अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो आप रॉन्ग पढ़ रही हैं, आप अंदर ही पढ़ रही हैं। मूवमेंट होगी तो आप कसरा को ठीक से पढ़ रही हैं। इसका साउंड होगा ई, और इसको भी हम लंबा नहीं करेंगे, ओके। हरका ये शॉर्ट वोवल्स हैं, इनको हम शॉर्ट टाइम ही देंगे। नेक्स्ट है बोमा। बोमा क्या होता है, ये इस तरह जो वाव होता है ना, छोटा वाव की तरह होता है। इसको उर्दू में हम पेश कहते हैं और कसरा को जेर कहते हैं। जो ये पेश है बोमा है, इसको हम ऊ वाला साउंड देंगे, ऊ, ओके। होंठों को गोल करके इसको पढ़ा जाएगा। अगर हमने अंदर ही अंदर इसको पढ़ लिया, ओ का साउंड आ जाएगा। होंठों को गोल करें, ऊ, ओके। आई होप आपको इन हरका के बारे में पता चल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। जो भी हरका यानी जो भी लेटर के ऊपर हरका होता है, जब भी कोई लेटर के ऊपर हरका होता है तो उस लेटर को हम मुतहर्रिक कहते हैं, ओके। ये माइंड में रख लें, बस एक डेफिनेशन लिखें, हेडिंग लिखें मुतहर्रिक, और उसके बाद लिखें जिस भी हरूफ के ऊपर हरका हो तो उस हरूफ को हम मुतहर्रिक कहते हैं, राइट। तो फतहा बम्मा कसरा की भी डेफिनेशन लिख लिया, और इसको किस तरह पढ़ना है, फतहा को मुँह खोल के पढ़ा जाएगा और इसका साउंड अ वाला आएगा, ओके, अ ब त, ओके। बम्मा को किस तरह पढ़ा जाएगा, होंठों को गोल करके हम बाहर आवाज़ निकालेंगे और ऊ का साउंड आएगा, ओ वाला साउंड बिल्कुल नहीं आना इसमें, ऊ। और कसरा को ई ई, नीचे का चिन्ह जो है वो थोड़ा नीचे जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दम्मा फतहा कसरा इसको देख लिया है। अगर आप ऑलरेडी उर्दू में इसको जानती हैं तो कंफ्यूज ना करें, आज से हम इंशाल्लाह अरबी टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे। फतहा को ज़बर कहते हैं, दम्मा को पेश, कसरा को ज़ेर कहते हैं, इंशाल्लाह। तो अब हम इस जो भी रूल्स हैं इसको लेटर्स पे अप्लाई करके, हरूफ पे अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह हम पढ़ेंगे, ओके। आप सब अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लें, अनम्यूट ना करें, अपनी अपनी जगह मेरे पीछे ज़रूर रिपीट करें, बिकॉज इवन तो आप जानती हैं कि किस तरह पढ़ें, फिर भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिकॉज इसमें अक्सर मिस्टेक ये होती है कि हम इसको ज़्यादा लंबा कर देते हैं या बहुत ही छोटा करके झटका भी दे देते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक हो सकती है, ओके। तो अब हम पहले देखते हैं फतहा यानी ज़बर के साथ इन सारे लेटर्स को, ओके जी। इन सारे लेटर्स के मखरज आपको आनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि आप सबको आती हैं, राइट। कल हमने टेस्ट भी किया था, ऑलमोस्ट सबको आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या ज़रूरी है कि इनके मखारिज जो हैं वो ठीक होने चाहिए। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि कौन से लेटर हैवी हैं, कौन से लेटर लाइट हैं, यानी मोटे और बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ कौन से हैं, वो भी आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, वरना आप इसको रॉन्ग पढ़ सकती हैं, ओके। तो इंशाल्लाह हम देखते हैं फतहा के साथ, ये सारे पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप में से हर एक रिपीट करेगा मेरे पीछे, ओके। तो चलें प्रैक्टिस करते हैं फतहा यानी ज़बर के साथ, ओके। ये है अलिफ, लेकिन इसके ऊपर अब एक हरकत आ गई ना। अब हमने कहा कि हरका क्या है, फतहा दम्मा कसरा हरका है। तो जब भी अलिफ पे कोई हरका आ जाए तो हम अब इसको अलिफ नहीं कहेंगे, इट इज़ नो मोर अलिफ, इट इज़ नाउ हमज़ा। ये अलिफ और ये हमज़ा अब सेम हो गए हैं, क्योंकि अलिफ पे अब हरका आ गई, ओके। तो हम इसको अब अलिफ नहीं बल्कि हमज़ा कहेंगे। हमज़ा फतहा अ, मेरे पीछे सब रिपीट करें, लेकिन माइक्स को म्यूट ही कर लें, बिकॉज दूसरों को डिस्टर्बेंस होगा, माइक्स म्यूट रखें। हमज़ा फतहा अ, ब फतहा ब, त फतहा त, त फतहा त, थ फतहा थ। सिस्टर्स माइक को म्यूट कर लें, बिकॉज दूसरों को डिस्टर्ब होगा ना, तो ओके फाइन जी। थ फतहा थ, थ में मिस्टेक ये नहीं होनी चाहिए कि हम इसको सीन की तरह ना पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे, और ये लेटर्स लाइट हैं। थ फतहा थ, अ ब त थ, पढ़ी मेरे पीछे, अ ब त थ। इसको बिल्कुल भी अ ब त नहीं पढ़ना हम इस जी, माशाल्लाह ठीक पढ़ा, अ
जी साक, हमने मखरज क्या सीखा था? ज़बान की नोक बाहर निकालें थोड़ी सी, जो ऊपर और नीचे के दांत हैं उसके बीच में रखें, हल्का सा प्रेस करें और बोलें सा सा। अब आ रहा है आपको? जी ओके। ता नहीं, सा सा। जी सा। देखें नहीं, सीन की तरह आवाज़ नहीं आना, सा की आवाज़ आनी है। देखिए आप अपने होंठों के पास अपनी अपने हाथ को ऐसा रखें तो सा, थोड़ी बहुत सारी हवा जो है ना आपके मुंह से बाहर निकलेगी। सा सा सा। जी बहुत खूब, जी आपने बहुत ठीक पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। अ ब त स, जीम फतहा ज, जीम फतहा ज, ह फतह ह ह। इसका क्या रूलिंग है कि ह को हम बहुत सारी सांस बाहर निकालते हुए पढ़ेंगे, ह ह। खो फतह ख, ओके। इसमें मिस्टेक अक्सर ये करते हैं कि खो को हम खा पढ़ते हैं, खा नहीं पढ़ेंगे, खो एक मोटा हरूफ है, इसलिए मैंने कहा था कि आप सब बिल्कुल भी ये याद रखें कि मोटे हरूफ कौन से हैं और बारीक कौन से हैं। ख को हम ज़रूर मोटा पढ़ेंगे। मैंने आपके माइक्स को फ़िलहाल म्यूट कर दिया है, जो भी क्वेश्चंस है आप बाद में पूछ सकती हैं इंशाल्लाह। ख फतहा ख ख, ओके, इस तरह पढ़ा जाएगा। दाल फतहा द द, ओके। ये जो भी लाइन है इसके अंदर सिर्फ एक ही लेटर हैवी आया है, मोटा आया है, इसको पढ़ते वक्त ख पढ़ें, ख बिल्कुल नहीं पढ़ना, ओके। दाल फतहा द, ज़ाल को भी इसी तरह पढ़ते हैं, ज़बान की नोक जो है वो बाहर निकलेगी और ज़ प्रोनाउंस होगा और इसमें बजिंग साउंड नहीं होगा, ज़ा नहीं पढ़ेंगे, ज़। रॉ फतहा रॉ, रॉ को मोटा पढ़ा जाएगा। मैंने कहा था कि रॉ एक मुश्तरक लेटर है, यानी कभी लाइट कभी हैवी होगा, तो रॉ के रूलिंग में अभी साइड पॉइंट एक लिख लें कि रॉ के ऊपर जब भी फतहा होता है तो ये मोटा पढ़ा जाएगा, हम इसको रा नहीं कहेंगे बल्कि रॉ कहेंगे, रॉ मोटा, ओके। नीचे एक पॉइंट में लिख लें, रॉ पे जब भी फतहा हो तो उसको हम मोटा पढ़ेंगे, ओके। जी ज रॉ ज, ज बजिंग साउंड के साथ, ज फतहा ज, ज रॉ ज, ज रॉ ज, ज रॉ ज। सीन फतहा स, सीटी की आवाज़ के साथ, सीन फतहा स। शीन, शीन फतहा श। सौद फतहा सौ, सौ। स और सौ में मिस्टेक ना कर लें, अब ये है मोटा हरूफ, हरूफ मुस्तालिया, सौद को हम मोटा पढ़ेंगे, ओके। सौद को हम मोटा पढ़ेंगे, अगर हमने इसको लाइट किया तो ये सौद में और सीन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, राइट। ये दोनों डिफरेंट लेटर हैं तो इनका प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होगा, स होगा ये और इसको पढ़ेंगे सौ मोटा। बौद फतहा ब, ब मोटा हरूफ है, दा नहीं पढ़ेंगे और ज़ा भी नहीं पढ़ेंगे, ब। तो फतहा तो, इस तो को हम मोटा पढ़ेंगे, अगर तो को मोटा ना पढ़ा तो ये ता जैसा हो जाएगा, ता इज डिफरेंट लेटर, तो इज डिफरेंट, राइट। तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे, तो इस लाइन में कितने हैवी लेटर्स आए हैं, सौद बो तो, ये तीनों हैवी हैं और रॉ मुश्तरक है जो फतहा के साथ यानी ज़बर के साथ मोटा पढ़ा जाएगा। अ ब त, अब मेरे साथ रिपीट करें, अ ब त स ज ह ख द ز ر ز س ش ص ض ط, ओके। नेक्स्ट है व, ये भी हैवी लेटर है, सेम ज़ाल की तरह इसको भी ज़बान की नोक जो है उसको बाहर निकाल कर ही पढ़ेंगे, लेकिन ये मोटा पढ़ा जाएगा। व व व, आइन फतहा आ, आइन का मखरज को निकालते हुए आवाज़ को ऊपर उठाएं और पढ़ें आ आ, ओके आ। व आ, गइन फतहा ग, ये मोटा हरूफ है, इसको गा नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी गा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे ग ग, ओके। फ फतहा फ, क फतहा क, क मोटा पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे बल्कि क मोटा, क। कैफ फतहा क, क
लाम फतहा ल, दोनों लाइट हैं, लाम और कैफ और लाम, कै ल, मीम फतहा म, म, नून फतहा न, वाव फतहा व, वाव के लिए होन गोल होना है, उसके बाद ओपन होना है, व व व, ह सीने से आना चाहिए, हलक का आखिरी हिस्सा है, सीने के जो करीब है, ह ह ह फतहा ह, हमजा फतहा अ, जस्ट लाइक ऊपर जो हमने देखा अ, या फतहा या फतहा या। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतहा के साथ सारे हरूफ को पढ़ लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें यही ध्यान रखें कि हैवी लेटर्स को हैवी पढ़ा जाएगा, मोटे हरूफ को मोटा पढ़ा जाएगा, और हम एक हरकत से लंबा इसको नहीं खींचेंगे। हरकत क्या है, हमने देखा कि मुट्ठी को अगर क्लोज करें तो एक उंगली को नॉर्मल पेस में ओपन करते वक्त कितना टाइम लगता है, उतना ही होगा। अ ब त स ज, ओके जी। नेक्स्ट हम इसको कसरा यानी जेर के साथ देखते हैं, कसरा। मैं अब हिज्जा करके नहीं पढ़ाऊंगी, बस दो तीन लेटर स्टार्टिंग में हिज्जे से पढ़ाऊंगी। हिज्जा यानी लाइक हमजा कसरा ई, बा कसरा बी, ता कसरा ती, ओके ई बी ती। मेरे पीछे आप प्रोनाउंस करें, ई बी ती, सी जी ही। सी पढ़ते वक्त सी टी की साउंड नहीं आना, और जी ही ही, ओके। और कसरा पढ़ते वक्त ए की साउंड नहीं आना, जैसे ए बेते नहीं पढ़ना, ई बी टी सी जी ही ही, ये मोटा ही होगा, ही 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 नहीं ही, थोड़ा मोटा। दी दी दाल कसरा दी, दाल कसरा दी दी, नो बजिंग साउंड हियर, ओके। रॉ कसरा री, ओके। अब रूलिंग ऑफ रॉ में एक और पॉइंट लिख लें, रॉ के नीचे जब भी कसरा होता है तो इसको बारीक पढ़ा जाएगा, मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे री इस तरह मोटा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि री री बहुत ही बारीक पढ़ेंगे, री नहीं री बारीक। जब फतहा के साथ हो और दुम्मा के साथ हो, जो नेक्स्ट आ रहा है, मोटा होगा, लेकिन कसरा के साथ ये बहुत ही बारीक होगा, री, ओके। दी जी री, जा कसरा जी जी, बजिंग साउंड के साथ जी। सीन कसरा सी सी, जो इंग्लिश का अल्फाबेट सी होता है ना, उस तरह सी। शीन कसरा शी शी, ओके शी पढ़ा जाएगा इसको। स्वाद कसरा सी सी, मोटा पढ़ेंगे, सी नहीं पढ़ेंगे। अगर हमने सी पढ़ा तो इसमें और इसमें फर्क नहीं रहेगा, इसको सी पढ़ेंगे, इसको सी सी, ओके। दौत कसरा दुई दुई, ओके इसको दी नहीं पढ़ेंगे या जी नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दुई पुई पुई, इसको ती नहीं पढ़ेंगे, पुई पुई, जबान की जड़ ऊपर उठाएं तो ये मोटा होगा। वी हैवी लेटर है। ई ई गी गी, गैन कसरा गी, मोटा पढ़ा जाएगा, गी नहीं कहेंगे, गी। फा कसरा फी, कौफ कसरा कई कई कई, ओके। की ली मी नी वी, वी के लिए हम गोल करके नीचे करें, वी ही पस्त आवाज के साथ बहुत सारी हवा बाहर निकले, और इसको अक्सल हलक से पढ़ें, ही ई हमजा कसरा ई या कसरा यी, यी होगा इसको, ये नहीं पढ़ेंगे, यी या कसरा यी, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह कसरा से भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखते हैं दुम्मा से यानी पेश, इसमें ओ वाला साउंड आएगा, इसको लंबा नहीं करेंगे, उ बू टू सु सामे सु, जबान की नोक बाहर निकालें और पढ़ें, सु जू हु हु खु खु, मोटा पढ़ेंगे, दु जु जाल दुम्मा जु, रो दुम्मा रु, रो की रूलिंग में लिखे हैं, रो के ऊपर जब भी दुम्मा हो तो इसको मोटा पढ़ा जाएगा, रो दुम्मा के साथ और रो फतहा के साथ, मोटा है, हैवी लेटर है। रु नहीं बोलेंगे बल्कि रु, मोटा रु। जा दुम्मा जु, बजिंग साउंड के साथ, सु शु सु, देखिए सु सु,
सु सु डिफरेंस आ रहा है ना, सु में लाइट दिख रहा है, सु जो है वो मोटा दिख रहा है क्योंकि ऊपर से जबान की जड़ उठी हुई है। सु सु दौद दम्मा दू तो दम्मा तू सो दो तो तीनों को हम पढ़ेंगे मोटा और जो को भी जू जू नहीं, ये जू जो है वो लाइट है, इसको जू मोटा। उ आइन के मखरज के साथ दोमा लगाएं और बोलें उ उ उ इस तरह गु गु। ओके अदनल हलक के साथ गु गु, गैन का मखरज टच करें उसके बाद उ वाला साउंड लाएं गु। फु कौफ दोमा कु कु मोटा होगा, कैफ दोमा कु कु, लाम दोमा लू, मीम दोमा मू, नून दोमा नू, वो हु अंदर से निकालें अक्सल हलक हु, हमजा दोमा उ, या दोमा यू, या दोमा यू। ओके अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया है, एक सेकंड से ज़्यादा नहीं आप इसको लंबा करेंगी। अगर हमने हमजा के साथ देखा तो अ ई उ, बबी बु, ताती तु, थासी सु, जाजी जु, हाही हु, खोखी हु, दादी दु, दादी दु, रोरी रु, जाजी जु, सासी सु, शाशी शु, सोसी सु, दोदी दु, तोती तु, जोदी दु, आई रु, गोगी गु, फाफी फु, कोकी कु, काकी कु, लाली लु, मामी मु, नानी नु, वावी वु, हाही हु, आई उ, याई यु, याई यु। ओके इस तरह हम पढ़ेंगे इसको अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम वर्ड्स के साथ देखते हैं कि किस तरह हम वर्ड में इनको ऐड करेंगे। दाल फतहा दा, रो फतहा रो, सीन फतहा सा, दा रो सा, रो को यहाँ पर मोटा पढ़ेंगे। वदा अबदा, कसबा, दखला, बलगा, गैन मोटा है बलगा नहीं कहेंगे, बलगा, वजदा, सजदा। ओके इबीली कसरा के साथ, कसरा है तीनों जगह, इबीली इबीली, रदीफा, रो को मोटा, दाल के नीचे कसरा, फा के ऊपर फतहा, रदीफा, हामिदा, शहीदा, बखीला, सखीरा, सखीरा, रो मोटा पढ़ा जाएगा राइट, क्योंकि फतहा है, यहाँ भी रो मोटा पढ़ा जाएगा, रहीमा, लाइबा, रुसुलु, रो मोटा, सुदुसु, फुकीदा, कुतिला, कौफ मोटा, कुतिला, नुकीसा, करुमा, उलीमा, हुदिया। ओके इस तरह इंशाल्लाह। तो अब देखते हैं कि आपने इसको कितना अच्छा सीखा है इंशाल्लाह। तो आप में से अब मैं आपके माइक्स को अनम्यूट करती हूँ, तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछें, उसके बाद इंशाल्लाह आप में से हर एक इसका एक एक वर्ड पढ़ेगा। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हरका? जी अपने माइक्स को अनम्यूट कर लें जिनको भी करना है और मुझसे क्वेश्चन पूछें इंशाल्लाह। वन सेकेंड, जी अब आप कर सकती हैं जी, अनम्यूट करें जी सिस्टर। जी सिस्टर, दाल और ज का समझ में नहीं आया हमें, दाल और व, ये दोनों लेटर्स, हाँ देखिए ये है, हाँ, दाल और ज, जी ये है दाल, इसको हम जबान की नोक बाहर निकाल कर पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि आप मखरज जो है दोबारा एक बार रिवाइज कर लें, इसलिए दाल को हम जबान की नोक जो है वो बाहर निकाल कर पढ़ेंगे। और वो को भी इसी तरह पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, दाल जो है वो लाइट पढ़ा जाएगा जैसे ज़ा, लेकिन जी वो जो है वो मोटा पढ़ा जाएगा जी। माशाल्लाह ठीक है, रॉ के साथ जो है वो लाइट लेटर है, लेकिन इसमें बजिंग साउंड आएगी जैसे ज़ा, 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 ज़ा,
ز ہم رائٹ پڑھ رہے ہیں ز جی آپ نے ٹھیک پڑھا جس طرح انگلش کا لیٹر زیڈ ہوتا ہے نا زو میں یوز ہوتا ہے زیبرا میں یوز ہوتا ہے وہی ز ہے یہ اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر جی بھیا خیر اگر کوئی اور ڈاؤٹس ہیں سسٹرز السلام علیکم جی وعلیکم السلام ہلو جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیف کی آواز جی کیف کو انگلش کا لیٹر جو کے ہے نا اس طرح پڑھا جائے گا کیف کا اور قوف یا قوف جو ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا جی سسٹر مخارج جو ہے ہم نے وہ کمپلیٹ کر لیے ہیں اگر آپ کو آواز میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ مخارج کے جو لیسنز ہیں وہ دوبارہ دیکھیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے نا قوف کیف جی جو یہ قوف ہے یہ قوف ہے اس کو موٹا پڑھا جائے گا کس طرح پڑھیں گے آپ کی زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر کی نرم تالو پہ لگے گی اور پروناؤنس ہوگا قو اوکے جی الحمد للہ تو جی بھیا کی خیر مخارج بہت امپورٹنٹ ہے دوبارہ آپ سب لوگ ایک بار وہ ویڈیو دیکھیں اور انشاءاللہ مخارج کو بہترین طریقے سے سیکھیں اور کوئی ڈاؤٹس ہیں سسٹر السلام علیکم سسٹر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ٹھیک ہے دیکھیں خو 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 اوکے اس کو خو خو نہیں کہیں گے لائٹ نہیں پڑھیں گے بلکہ خو موٹا رو رو مشترک ہے لیکن ہم نے سیکھا کہ فتح دومہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ موٹا ہوگا تو رو رو نہیں پڑھیں گے بلکہ رو رو جی صوت کو سو سو دو دو دوت کو دو جی تو کو تو تو ذو کو ذو 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 جی غین کو غو غو قاف کو قو قو یہ غین اور قاف دونوں میں کنفیوز ہو رہا ہے نہیں کنفیوژن کی بات نہیں کیونکہ غین جو ہے وہ پروناؤنس ہوتا ہے حلق سے اور قاف جو ہے وہ لسان کا لیٹر ہے نا غو ہے یہ ہے قو یہ ہے غو اور یہ ہے قو اور قو جی ماشاء اللہ ٹھیک پڑھا آپ نے جی سسٹر بھیا کی خیر اور کوئی ڈاؤٹس ہیں تو ہم سٹارٹ جی میم خو کا ایک ساتھ پڑھ کے بتائیے میم کا نہیں خو کا یہ والا جو میں کر رہی ہوں غین غو غو غی غو غو غی غو اب غین کا میم جی میں غین کا ہی پڑھ رہی ہوں غو غی غو خوف کا قو قو قی قو قو دیکھیں غین میں جو ہے آپ کی جو حلق کا پہلا پارٹ ہے وہ یوز ہو رہا ہے نا لیکن قوف تو زبان کی جڑ بہت ہی نیچے جو زبان ہوتی ہے نا لاسٹ پارٹ وہ اوپر کے تالو کو لگ گیا قو قی قو قو قی قو اس طرح ادا ہوتا ہے یہ والا خو دیکھیں خو یہ ایزی ہے بہت خو خی خو اوکے خو یہ تینوں ایک ساتھ بولیں جی پہلے میں خو پڑھوں گی خو خی خو نیکسٹ غو غی غو قو قی قو یہ خو میں اور وہ خو میں تھوڑا یہ خو اور یہ قوف میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ خو جو ہے وہ ادن الحلق یعنی اوپر کے حلق سے ادا ہوتا ہے جب آپ اپنا گلا ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں نا تو دیکھیں ہم خو وہیں سے ادا کرتے ہیں خو خو اس میں خ والی ساؤنڈ آتی ہے خو لیکن اس میں ایسی ساؤنڈ نہیں آتی ہے جہاں سے آپ خو پڑھتی ہیں اس کے بہت نیچے سے ادا ہوتا ہے یعنی جہاں زبان کی جڑ ہوتی ہے قو پی قو خو قو
خ ق خ جی خ خ خ ہاں خ ق جی بھائی کی خیر. تو الحمدللہ اینی ڈاؤٹس ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پریکٹس میں. جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا. تو بہت ہی کم ٹائم ہے, ایک ایک کر کے آپ اپنے مائکس کو انمیوٹ کریں. عارفہ بیگم آپ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں, جلد کریں کیونکہ 10 منٹس ہیں, اس کے بعد ٹائم نہیں ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ پڑھیں فرسٹ ورڈ یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. درسا. جی الحمدللہ ماشاء اللہ ٹھیک پڑھا آپ نے. نیکسٹ سسٹر پڑھیں شیخ افشاں. جی راجی ورڈ بتائیے. نیکسٹ نیکسٹ ورڈ پڑھیں آپ. ودا. جی ماشاء اللہ بہت بہترین. نیکسٹ سسٹر پڑھیں سسٹر عائشہ صدیقہ بانو. ابدا. جی آئین کو ٹھیک سے پڑھیں اور ایک بار. ابدا. 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 جی آپ کے آئین کی پریکٹس کی ضرورت ہے, پریکٹس کرتے رہیں. ابدا. ابدا. جی انشاءاللہ آپ آئین کی تھوڑی پریکٹس کریں. آپ مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کر سکتی ہیں جب آپ نے پریکٹس کر لی ہو. اوکے جزاک اللہ خیر. جی آپ سب اپنے ہینڈز رائز کریں تاکہ مجھے پتا چلے. سسٹر فوزیہ عفیفہ. کسب. 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 جی بہت خوب, بہت اچھا پڑھا آپ نے الحمدللہ. نیکسٹ سسٹر نصیحہ تبسم. جیسے آپ کا ہو جائے گا ہینڈ لوور کر لیں. آپ نیکسٹ ورڈ پڑھیں. وعلیکم السلام. جی سسٹر آپ نیکسٹ ورڈ پڑھیں. دخل. جی بالکل ٹھیک, خو کو ہیوی پڑھیں گے رائٹ. الحمد للہ ٹھیک پڑھا آپ نے. جی نیکسٹ سسٹر نازیہ جاسبین آپ پڑھیں. جی بالغ. غ کو تھوڑا موٹا پڑھیں. غ. بالغ. غ. غ. جی بہت خوب الحمدللہ ویری گڈ. تو نیکسٹ سسٹر رضوانہ سلطانہ. نیکسٹ ورڈ پڑھیں. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. تو نیکسٹ سسٹر صبا فردوس. سجدہ. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. نیکسٹ سسٹر فرزانہ شاہین. ماشاء اللہ ویری گڈ. نیکسٹ سسٹر ہے مریم تنویر. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے, را کو ہیوی کیا. ماشاء اللہ ویری گڈ. نیکسٹ سسٹر شبانہ انصاری. جن کا ہوگا آپ ہینڈ لوور کر لیں. حمیدہ. نہیں, ہا کو آپ نے ٹھیک نہیں پڑھا. ہا کے لیے بہت ساری سانس باہر آئے گی. پڑھیں. حمیدہ. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. حمیدہ. جی نیکسٹ سسٹر صبا شاہیدہ. ماشاء اللہ ویری گڈ, ویری ویل ڈن. نیکسٹ سسٹر نشاط فاطمہ. جی ویری گڈ, بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی الحمد للہ. تو نیکسٹ ہیں یاسمین بیگم. یاسمین بیگم. را کو موٹا پڑھیں. را. را. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. جی بہت اچھا پڑھا آپ نے. اور ہینا سسٹر ہینا. سسٹر ہینا. جی سسٹر منہا ماجبین لکھا ہے یہاں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نیکسٹ پڑھیں. حمیدہ. جی نیچے کا پڑھیں. جی ماشاء اللہ ویری گڈ. تو نیکسٹ کون ہے باقی؟
सबा और एक सबा है, सबा फिरदौस आपका हो गया, मेरा हो गया जी। और कोई है? माइक अनम्यूट कर लें। जी उस्ताद, मैं हूँ निशात बेगम। जी आप पढ़ें। जी लाइबा लाइबा लाइबा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। नेक्स्ट सिस्टर, कोई सिस्टर्स हैं रिमेनिंग तो आप अपने माइक को खुद ही अनम्यूट कर लें। आबदा। जी और एक बार पढ़िए। आबदा आबदा। आपने कौन सा पढ़ा, ये वाला राइट? सॉरी वन सेकेंड, वो आइन का मेरा गलत हो गया था ना। जी जी जी, ये वाला राइट, आबदा आबदा आ आ आबदा आबदा आबदा। नहीं, आप जो आइन है उसको हमजा की तरह पढ़ रही हैं, कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, क्योंकि हमने देखा था ना आइन को हम ठीक से ना पढ़े तो लहने जली हो सकती है, लेकिन फिर भी डोंट वरी, अगर आपको नहीं आता तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला आपके लिए आसानी करे। कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, गले से इसको पढ़ेंगे यानी थ्रोट से ओके। जहाँ आपका जी, आप अपने फिंगर को यहाँ जो थ्रोट है वहाँ पर रख कर देखें, मिडल ऑफ द थ्रोट आबदा। जी आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर पढ़ा पहले से, आबदा आबदा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर सना आपका है? जी उस्तादा। जी सिस्टर आप पढ़ें, ये पढ़ें। रसूलो रसूलो, रोमोटा होगा रसूलो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। आई होप सबके हो गए हैं राइट, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने पढ़ा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप इंशाल्लाह मुझसे पूछ सकती हैं। मैम आइन वाला पूरा एक बार बोल दो। आ का राइट, आ आ आ वी ओ, वन सेकंड ओ। जी आ बद, यहां देखें आ आ, आइन के मखरज को टच करें फिर आवाज को ऊपर ले जाएं, आ वदा। ये वाले वर्ड में गुमा के साथ है, उलीमा ओके। आइन के मखरज को टच करें, उसके बाद फतहा कसर और दम्मा के साथ पढ़ें, आ ओई उ आ ई उ नहीं आ। जी आइन को अक्सर लोगों में प्रॉब्लम होता है आइन का, लेकिन इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डायली आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ मिस्टेक हो रही है ओके। आइए आओ जी भैया, की खैर तो जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम मीटिंग को एंड करते हैं इंशाल्लाह, जो भी डाउट्स हैं आप व्हाट्सएप पर मुझसे इंशाल्लाह पूछ सकती हैं। तो प्रैक्टिस बहुत सारी करें और मखरज जो है दोबारा से इसको प्रैक्टिस करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मखरज के बिना आप ये सारे रूल्स नहीं सीख पाएंगी। तो इंशाल्लाह विल एंड द मीटिंग, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम।